हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रजापति द किचन किंग में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का हलवा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो आइए इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस का कढ़ाई रखा है, इसके अंदर थोड़ा सा घी डाला है और ये मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, ये डालूंगी इसमें। अब ये लेंगे ये भून गया है, अब मैं इसे कटोरी में निकालूंगी। अब मैं इसके अंदर और घी ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास फ्रेंड्स 250 ग्राम सूजी है, तो यहाँ पे मैंने बस घी ज़्यादा ही डाला है, मैंने 50 से 60 ग्राम ही घी डाला है। तो आज मैं आपको घी और रिफाइंड दोनों में बना के दिखाऊंगी कि हमारा हलवा कितना अच्छा बनने और टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अभी 50 ग्राम घी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर अपना सूजी ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें सूजी डाल लूंगी। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम सूजी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं होता, तब तक हम इसे अच्छे से चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी सूजी भून गई है, तब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी। तो ये हमारा 250 ग्राम सूजी था, तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स इसके हमें दोगुना पानी या दूध आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो उसके जगह पे पानी भी डाल सकते हैं, पर दूध डालने पे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम चारों तरफ से चला लेंगे अच्छे से। अब हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। तो इस स्टेज पे आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें, पर मैं यहाँ पे 2 इलायची डाल दी हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा हलवा है जो गाढ़ा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी रिफाइंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको आज घी और रिफाइंड से हलवा बनाना बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ढेर सारा घी हो तभी हम हलवा बनाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। अब इसे हम अच्छे से चला के भूनते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके सारे दाने दाने अलग हैं और कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। तो अब ये हमारा जो हलवा है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट ऐसे ही ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा टेस्टी हलवा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका हलवा कैसा बना था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।